अजमेर की कृष्णगंज थाना क्षेत्र के दादीच वाटिका में शादी के दौरान सोशल मीडिया पर हथियार लहराने और फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। अजमेर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि शादी व अन्य समारोह में वैध व अवैध हथियारों का प्रदर्शन करना कानूनन अपराध है। ऐसे में अगर इस तरह का कृत्य कोई भी करता है तो उस पर कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि अजमेर की दादीच वाटिका में आयोजित शादी के दौरान हथियारों को लहराने और फायरिंग करने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर कृष्णगंज थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने इस संबंध में शादी समारोह में शिरकत करने और जिन व्यक्तियों द्वारा हथियारों को लहराया गया है, साथ ही फायरिंग की गई है, इस पर जाँच की जा रही है। उन्होंने इस मौके पर आम जनता से अपील करते हुए कहा कि हथियार आत्मरक्षा के लिए दिए जाते हैं, ऐसे में उनका गलत प्रयोग करना कानूनी अपराध है। साथ ही इस दौरान भीड़भाड़ वाले इलाके में किसी भी व्यक्ति को हादसे का शिकार भी होना पड़ सकता है। ऐसे में हर पहलुओं को देखते हुए पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस मामले में अजमेर रेंज आईजी एस सिंगेथिर ने एसपी को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एसपी साहब से बात होगी, इसमें एक टीम गठित करके आगे कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई करते आपको बता देंगे। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक समारोह में अवैध या वैध हथियारों का प्रदर्शन करके भयकारित करना एक अपराध है। अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके संबंध में संबंधित SHO को मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान करने के निर्देश दिए हैं। जांच करने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मैं अजमेर की जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस तरह जिनके पास लाइसेंसी हथियार हैं वो भी इसके सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन से बचें, क्योंकि इससे अनावश्यक लोगों में भयकारित होता है और केवल आत्मरक्षा के लिए हथियार मिलता है उसी के लिए उसके उपयोग को दिमाग में रखें, अनावश्यक इसका प्रदर्शन नहीं करें। और अगर कोई अवैध रूप से हथियारों का प्रदर्शन करता है तो गंभीर अपराध है और उसके खिलाफ आगे भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।